हाँ भाई, जय श्री अलसी दोस्तों, क्या हाल चाल? जितेंद्र सर, तो स्वागत करें बच्चों का। बिल्कुल हाँ, स्वागत। नो डाउट ये सीरीज चलती आ रही है, तो गुरुनीति का अगला वीडियो रहेगा अपना 17/90। टोटल 90 वीडियो आपको बायोलॉजी के जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था आज अपना डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में डाइजेशन के अपन ने लगभग 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे, और रिमेनिंग जो पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो आज अपन करेंगे। इसके आगे के जो दो लेक्चर रहेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर रहेंगे, ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और जो नेक्स्ट दो लेक्चर रहेंगे वो सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर रहेंगे। तो फिजियोलॉजी को हमने फर्स्ट और सेकेंड में डिवाइड किया है, और फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो है उसमें डाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, सर्कुलेशन आ गया, ठीक है। तो ये तो सर बच्चे वैसे काफी एंजॉय कर रहे हैं इसको, तो नो डाउट कमेंट्स भी आ रहे हैं। फिर भी हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप किसी भी प्रकार का कमेंट लिखें, आपको नो डाउट बेटर लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, तो वो कमेंट भी लिखें, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो उस चीज के विषय में भी बताएं। हम अपनी तरफ से जो है वो कोई भी कमी जो है नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी आप अगर हमें सुझाएंगे, क्योंकि जो व्यूअर होता है वो व्यूअर एग्जैक्टली सारी चीजों को ग्रेस्प कर जाता है, ठीक है। तो किसी ना किसी प्रकार का आप कमेंट जरूर लिखें इसके ऊपर। तो मैं सुनील छोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर, और मैं यतेंद्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। तो शुरुआत करें, बिल्कुल। तो आओ बच्चों, पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, टाइलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस नॉन एज। तो यतेंद्र सर, जब इंजेशन ऑफ फूड हुआ था, बक्कल कैविटी में फूड आया था, तब मैकेनिकल डाइजेशन चर्निंग देखा गया था वहां पर, ठीक है, और ये जो च्यूइंग ऑफ फूड हुआ था बक्कल कैविटी में, इसके साथ में सलाइवा मिक्स हुआ था, केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, स्टार्च का डाइजेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो सलाइवा की फॉर्म में ये जो रूप बनेगा, इसको बोलस कहेंगे, और ये बोलस इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचेगा। तो सलाइवा की एक्शन जो बक्कल कैविटी में चालू हुई थी, ये इस बोलस की फॉर्म में इसोफेगस में भी चलती रहेगी, और ये जाकर रुक जाएगी स्टमक में, क्योंकि एसिडिक जो एनवायरनमेंट होगा वो इनहिबिट करेगा किसकी एक्टिविटी को, टाइलिन की। बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, बहुत ज्यादा पीएच के आसपास है, हाईली एसिडिक कंडीशन जो है वो स्टमक में देखी जाती है। यहाँ पर एक बात और याद रख ली है, इसोफेगस का खुद का रोल नहीं है डाइजेशन में, लेकिन इसोफेगस के दौरान से होता हुआ जब बोलस गुजर रहा है तो उसमें डाइजेशन चल रहा है क्या? बिल्कुल उसमें डाइजेशन चल रहा है, मतलब उस बोलस के साथ जो टाइलिन है ना, वो उसका केमिकल डाइजेशन कर रहा है, फेरिक्स में भी और इसोफेगस में, फेरिक्स में भी और इसोफेगस में भी, लेकिन इसोफेगस के पास में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो इसोफेगस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसमें, डाइजेशन में, क्योंकि इसोफेगस और फेरिक्स की अगर बात करें तो वहां पर टिश्यू इस टाइप का रहा, स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस, तो ग्लैंडुलर रहेगी, ग्लैंडुलर फॉर्म वहां पर रहेगी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र सर ने। तो टाइलिन जो है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के कौन से कंपोनेंट के द्वारा, एसिडिक कंपोनेंट के द्वारा, एसिडिक कंपोनेंट कौन सा कहलाता है जितेंद्र सर? HCl कहला जाएगा। ऑप्टिमम ऑप्टिमम पीएच जो वो सुनील जी 6.8 सी है इसको, बिल्कुल बिल्कुल। अगर यही की टाइलिन जो है वो किससे एक्टिव होता है ओरल कैविटी में, तो क्लोराइड आयन जो है वो इसके एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चे एडिशनल याद रखें, बिल्कुल। तो आंसर इसका चला जाएगा अपना HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जी करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं ग्लाइकोजन के रेस्पेक्ट में, बच्चे जो याद रखते हैं ग्लाइकोजन के लिए, तो बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं, ओके, पॉलीसेकेराइड के अंदर होमो भी होते हैं और हेट्रो भी होते हैं, तो होमो की अगर बात करें तो प्लांट के अंदर उन्होंने स्टार्च के बारे में पढ़ा है, जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की फॉर्म, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, सेलुलोज भी होता है, लेकिन अगर एनिमल स्टार्च की बात करें जी जी, एनिमल स्टार्च तो वो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज के आपस में अल्फा 1,4 और ब्रांचिंग भी होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोजन सुनील जी हमारी बॉडी के अंदर हमारे लीवर में भी बनती है, ओके, और हमारी मसल्स में भी बनती है, ठीक है, और फूड की स्टोरेज फॉर्म की फॉर्म में एनर्जी की हमारे लीवर और मसल में स्टोर रहती है, बिल्कुल। तो उसी रेस्पेक्ट में हम लोगों को यहाँ पर देखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करना है, इट इज स्टोर्ड इन लीवर, ओके, एंड रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्ट होती है, ऐसा कोई इसके रिस्पेक्ट में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज, तो ये वाला जो है वो प्रॉब्लम हो गया, फिर इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ओके, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में लीवर के अंदर चेंज होता है, और इसको इंसुलिन हार्मोन प्रमोट भी प्रमोट करता है, और इसीलिए इंसुलिन को जो है हाइपोग्लाइसेमिक हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि ब्लड में से ग्लूकोज को कहां भेज देता है ये,
इन हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट, मैं दो सेल बता रहा हूँ जहां पर स्टोरेज होगा, ठीक है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा किसमें, ग्लाइकोजन में, और ये हिपेटोसाइट लीवर की सेल कहलाती है, एडिपोसाइट फैट स्टोरिंग सेल। हाँ, एडिपोसाइट सर ने बताया तो वहां पर वो ग्लूकोज वो एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो, फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो। फिर सेकंड देखते हैं, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर एंड पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ बाइल के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। इट इज ए पॉलीसेक्रेड, ओके, होमोपॉलीसेक्रेड होता है, ठीक है, एंड सिंथेसाइज्ड इन लीवर एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल, ये परफेक्ट चला जाएगा, ठीक है, कि लीवर की सेल्स में बनने के बाद में वहां पर स्टोर्ड हो जाता है। अच्छा, जब भी जरूरत होती है, यानी जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन जाता है, तब ग्लूकेगोन की हेल्प की वजह से ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज ब्लड में फ्री हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस अपन इसको कह सकते हैं। फॉर्म भी देख लेते हैं, इट इज सिंथेसाइज्ड इन ब्लड, नहीं ब्लड में तो वो सिंपल शुगर की फॉर्म में होता है, बिल्कुल ठीक बात, और ये तो पॉलीमर है, ये पॉलीमर, तो पॉलीमरिक फॉर्म में कोई भी बायो मॉलिक्यूल ब्लड में नहीं होता, वो सिंपल फॉर्म में होता है, क्योंकि डाइजेशन के दौरान अपने डेफिनेशन भी यही पढ़ी है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और वो डाइजेशन के बाद ही हो पाता है, वो डाइजेशन के बाद ही हो पाता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, अपने को क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, इन द स्टमक एससीएल इन गैस्ट्रिक जूस डज, तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है उसका जो एससीएल है, HCl is secreted by किसके द्वारा, ऑक्सेंटिक या पेरेंटल से, हाँ ऑक्सेंटिक और पेरेंटल, ये चीज आपको याद रखनी है। तो HCl इनके द्वारा सीक्रेटेड है, क्या करेगा ये, किल्स बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मीट, एक्टिवेट पेप्सिनोजन, सभी क्या सारे ही फंक्शन दर्शाता है, बिल्कुल सभी हो जाएंगे, सारे ही फंक्शन हो जाएंगे। तो एसिडिक एनवायरमेंट में जो फूड अपन ने लिया है उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया पहुंचा है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का ये HCl काम करेगा। जो मीट है उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है तो उसको भी क्या करता है, ये डिजोल्व करने का काम करता है। और जो पेप्सिनोजन है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कहलाते हैं। और यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हो रहे हैं। तो ये साइमोजन जिनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पेप्सिनोजन जो फॉर्म है ये कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म है, HCl की प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सारे फंक्शन हो जाएंगे। जितेंद्र जी, जैसे HCl की बात ये पर, हाँ, तो सुनील जी जो जैसे ये स्टमक की ल्यूमेन हो, ठीक है, और ये ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल, ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रोटीन के चैनल की हेल्प से स्टमक की ल्यूमेन में H+ को रिलीज करता है, ठीक है, और अलग से कुछ चैनल से Cl- को रिलीज करता है, बिल्कुल, और ये आपस में रिएक्ट होकर के HCl बना, HCl में चेंज होते हैं, ऐसा नहीं किया नहीं है HCl की फॉर्म, हाँ, में रिलीज, सेल जो है वो खुद पूरा HCl सीक्रेट नहीं करेंगे, आयोनिक फॉर्म को ल्यूमन में रिलीज आउट किया जाता है, और ये आयोनिक फॉर्म यहाँ ल्यूमन में फिर कंबाइन होकर क्या बनाती है HCl, इन्हीं को प्रोटॉन पंप भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल प्रोटॉन पंप जो इसकी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जिन लोगों में बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो जो ड्रग्स वगैरह डॉक्टर देते हैं वो इन्हीं को ब्लॉक कर देते हैं, बिल्कुल HCl का सिक्रेशन कम हो जाता है, जैसे एंटासिड, तो एंटासिड इसका एक एग्जांपल हो जाएगा जो दवाई के रूप में या टेबलेट के रूप में लिया जाता है। चले आगे जी, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा जी सर। हाँ, तो एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जा रही है सुनील जी, कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल जो ओरल कैविटी से या माउथ से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है, ठीक है, तो इनके अलावा जो इसके अंदर है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई, जैसे आप हमारा सेलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, आपका पैनक्रियाज है, या अपन लीवर के पास में पाउच लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर भी बता सकते, ठीक है, मतलब यहाँ पर फूड नहीं जा रहा है बल्कि तो वहां से कोई सिक्रेशन, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा जो पार्ट बच गया वो एसेसरी में आता है, ठीक है ठीक है, जिसमें जस्ट आउटसाइड दी बकल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं, पैरोटिड होगी, सबलिंगुअल होगी, सबमैंडिबुलर, इसके अलावा जो है वो लार्जेस्ट जो है ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर आ जाता है, हेटरोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज आ जाती है, और जैसा आपने बताया कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कौन सी लोब के नीचे, यहाँ ये सवाल भी पूछा जाता है, राइट लोब के नीचे प्रेजेंट या बड़ी लोब के नीचे, तो लीवर की जो लार्जर लोब होती है वो राइट लोब कहलाती है, उसके ठीक नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है जी सर।
तो जैसे यहाँ पर दिया पैनक्रियाज एंड लिवर ओनली लगा दिया और देखते हैं चलो ठीक है, स्टमक और ड्यूडेनम हो नहीं सकता क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, पैनक्रियाज लिवर गॉल ब्लैडर ये चला जाएगा ठीक है, और इसोफेगस वगैरह ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर की जगह आपका सेलिवरी ग्लैंड होता तब भी सही हो जाता, तब भी सही हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर आंसर इस रेस्पेक्ट में अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखनी है आपको, गॉल ब्लैडर खुद कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करता है, ये तो केवल जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, जो बाइल है उस बाइल को कंसंट्रेट करने का ये काम करता है, और बाइल की एक्शन जो ड्यूडेनम में होगी वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही होती है, तो इसका रोल भी एसेसरी डक्ट एसेसरी सलाइवरी ग्लैंड के रूप में हो जाएगा, मतलब एसेसरी जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्सकोरिएशन अफेक्ट बाय द हाईली कंसंट्रेटेड एससीएल, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि स्टमक में जो एससीएल सीक्रेट हो रहा था, अभी यतेंद्र सर ने बताया था कि जो प्रोटॉन पंप पाए जा रहे थे, H प्लस रिलीज हो रहा था, Cl माइनस रिलीज हो रहा था, स्टमक के ल्यूमन में आकर दोनों कंबाइंड हो रहे थे, और उन्हीं की प्रेजेंस में फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स थे, ठीक है, कौन से पेप्सिनोजन, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन ये जो HCl स्टमक के ल्यूमन में सिक्रेट हो रहा है, ये HCl स्टमक की वॉल पे एक्ट क्यों नहीं करता है, उसकी वॉल को गलाता क्यों नहीं है, तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा बन जाएगा कि बाइकार्बोनेट फॉर्म यहाँ पर सिक्रेट होती है, बफर है ना, जो पीएच को रेगुलेट, बिल्कुल बिल्कुल, तो पीएच बढ़ेगी घटाने का काम करेगा, घटती है तो, इसके अलावा म्यूकस, हाँ इसके अलावा म्यूकस नेक सेल जो होती है स्टमक की म्यूकस है, बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के एचसीएल का जो अफेक्ट है लाइनिंग ऑफ स्टमक पे उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं, या एचसीएल की एक्शन नहीं होने देते हैं स्टमक की लाइनिंग पर, वो गलाने का जो प्रभाव है, ये एक्सकोरिएशन इफेक्ट का मतलब है, क्यों नहीं गला सकता ये एचसीएल स्टमक की वॉल को, इसलिए नहीं गला सकता क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट और म्यूकस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑन वॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फेकल डिस्चार्ज, ये जो है एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट में डिसऑर्डर के अंदर पे रहता है, तो ये वाला जो है वो डायरिया के लिए जो है स्टेटमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पहला स्टेटमेंट यतेंद्र सर एनसीईआरटी की लाइन दी है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कम भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है, अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अगर कम हो जाएंगे, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचा है ये ज्यादा समय तक वहां रहेगा, और ज्यादा समय तक वहां रहेगा तो होस्ट्रा जो स्ट्रक्चर पाई जा रही थी उसके द्वारा ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो वही जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो यहाँ पर रिटेन रह जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा फिर, तो उसको फिर कॉन्स्टिपेशन कह देंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने कह दिया कि इंक्रीज लिक्विडिटी, जो फिकल डिस्चार्ज है उसकी लिक्विडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें ज्यादा पानी बाहर जा रहा है, ज्यादा पानी बाहर जाने का मतलब है कम पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, कम पानी एब्जॉर्ब होने का मतलब है पेरिस्टाल्सिस ज्यादा हो रही है, तेज हो रही है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग कौन सा चला जाएगा, डायरिया करेक्ट आंसर चला जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 4 स्टेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन ऑर्डर, तो ये हमने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड, देयर आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, देयर आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और उसके बाद में एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड की डेफिनेशन अगर बच्चों को बताएं तो इसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जो है ब्लड से सेल के पास पहुंचते हैं और फिर सेल उसको यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज करती है बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, या कह सकते हैं कि उस न्यूट्रिएंट का मान लो ग्लूकोज है तो उसका पूरा मेटाबॉलिज्म होगा, ओके, है ना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, उसके बाद में उसका जो टिश्यू साइकिल जो है उसके थ्रू ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लास्ट में उससे एटीपी बन जाता है, बिल्कुल, ये पूरा एसिमिलेशन है। तो ये एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है, इसके बाद जिस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था, अनडाइजेस्टेड जो फॉर्म बच गई उसको एलिमिनेट आउट किया जाता है, इजेशन प्रोसेस कहलाता है, एलिमिनेशन भी, हां बिल्कुल। तो बात करें इंजेशन आएगा सबसे पहले, बिल्कुल ठीक बात है, सबसे पहले डाइजेशन तो नहीं आएगा जी। इसके बाद में इंजेशन के बाद में डाइजेशन आना चाहिए, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दे दिया ये गलत हो गया, ठीक है, इंजेशन के बाद में डाइजेशन, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन पहले नहीं होगा, पहले एब्जॉर्प्शन सॉरी, और इसके बाद क्या जाएगा, एलिमिनेशन, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। इसको अपन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन भी कह सकते हैं, हाँ होलोजोइक, फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, अच्छी टर्मिनोलॉजी सर ने बताई है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
होलोजोइक मोड ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हिच वन इज करेक्ट फॉर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, होलोजोइक मोड, तो इसी की स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो प्रोसीड करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन ट्रिप्सिन और पेप्सिन है ना, तो एक जैसे पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन ओजन की फॉर्म में वो रिलीज हो रहा था स्टमक रीजन में, जी जी स्टमक में, और फिर वो एचसीएल की वजह से एक्टिव हो रहा था, ओके, तो वो एसिडिक पीएच पे वर्क कर रहा है। और ट्रिप्सिन की बात करें तो ये ट्रिप्सिन ओजन की फॉर्म में पैनक्रियाटिक जूस से जूस के द्वारा में आ रहा है, ठीक है, और वहां पर ये जो है वो एक्टिव होकर के एल्केलाइन पीएच पे वर्क करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन एल्केलाइन पे और पेप्सिन एसिडिक पे, ठीक है, स्टमक वाला होगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि ट्रिप्सिन फॉर्म बोल दिया इसका मतलब स्टमक से तो सीक्रेट नहीं होगी, तो ड्यूडेनम में ये एल्केलाइन मीडियम में बिल्कुल वर्क करेगा, क्योंकि इनका कोई भी एंजाइम होता है तो वो ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है ना, जी जी जी, वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यतेंद्र सर, जैसा अपन ने कहा था कि स्टमक में एसिडिक एनवायरमेंट एचसीएल के द्वारा बन जाता है, तो क्या ड्यूडेनम रीजन में ये एल्केलाइन के लिए बाइकार्बोनेट रेस्पॉन्सिबल होंगे पैनक्रियाटिक जूस के? हाँ, जब भी जो काइम है स्टमक से जब ड्यूडेनम में आता है, तो सबसे पहले मतलब एंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट हो उससे पहले वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ओके, माहौल बनाया जाता है कि वहां पर जो बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो और फिर वो पैनक्रियाटिक जूस वाले और सक्कस एंटेरिकस वाले एंजाइम वर्क करें। तो उसके लिए सुनील जी, एक तो जैसे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी वो रिलीज होता है हार्मोन की फॉर्म में, ठीक है, जो स्टमक की एक्टिविटी को कम करता है, बिल्कुल, इसके अलावा सिक्रेटिन रिलीज होता है, और सिक्रेटिन जो है वो स्टमक की एक्टिविटी को भी कम करता है, पैनक्रिया से बाइकार्ब रिलीज कराता है, ठीक है, और जो लीवर है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो बाइकार्ब जो है उसको या बाइल सॉल्ट वगैरह को बाइल सॉल्ट को रिलीज करे, इनकी वजह से मतलब सिक्रेटिन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, इसके टारगेट भी पूछे जाते हैं, कितने टारगेट है इसके, तो ये इसके तीन टारगेट हो, तो सिक्रेटिन पैनक्रियाज पे एक्ट किया, सिक्रेटिन स्टमक पे एक्ट किया, सिक्रेटिन लीवर पे एक्ट, लीवर पे, ठीक है, तो पैनक्रियास पे एक्ट करेगा तो वो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज नहीं करा रहा है, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्ब भी पैनक्रियाटिक जो डक्ट है वो रिलीज करती है, ठीक है, उसके लिए कोई सिक्रेटरी यूनिट अंदर की तरफ नहीं होती, नहीं होती, ऐसे नहीं की अपन बात करें, ठीक है, ऐसे नहीं जो वो एंजाइम वगैरह रिलीज कर रही है, और स्टमक पे टारगेट है तो स्टमक की एक्टिविटी को कम कर रहा है, ठीक है, लीवर को टारगेट करके उसको स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल सॉल्ट वगैरह रिलीज करे, तो इन सब की वजह से जब कंटेंट ड्यूडेनम में आएंगे तो जो पीएच बहुत कम था टाइम की वजह से वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा फिर वहीं पे एक अपने लास्ट क्लास में बताया था सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन है ना, पैनक्रियाजामिन को बाद में रिलीज होता है जो एंजाइम वगैरह रिलीज कराता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले उनकी वजह से वो होता है, इसके अलावा भी जैसे आप ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडेनम वाली, ठीक है, उसको भी स्टिमुलेट किया जाता है ड्यूओक्राइनिन हार्मोन से, ड्यूओक्राइनिन, और वो फिर म्यूकस वगैरह और बाइकार्ब रिलीज करके जो है ड्यूडेनम के इनिशियल पार्ट को कवर भी करता है, ठीक है, और वहां पर बाइकार की वजह से पीएच को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है, इसलिए जो ड्यूडेनम वाला इनिशियल पार्ट है वहां की जो विलाई वगैरह है वो छोटे होते हैं, डेवलप नहीं होते, डेवलप नहीं होते क्योंकि वो एसिडिक काइम आता है, जबकि जेजुनम और इलियम में अगर बात करेंगे तो डेवलप्ड विलाई वहां पर पाई जाती है ना, तो यही उसके लिए जो है आपने जो बात पूछी उसका कर रहे हैं मतलब सही एक्सप्लेनेशन, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, The number of teeth that erupts only once in life. इसको monophyton कहते हैं। हाँ, मतलब बच्चों में जो नहीं थे। बच्चों में नहीं थे। और ऐसा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि चाइल्ड की अगर बात करें यतेंद्र सर, जी, तो चाइल्ड के लिए डेंटल फॉर्मूला अपन ने लिखा था क्या, 2102 upon 2102, ठीक है, और वही अगर मैं कंपेयर कर लू इसको अडल्ट के साथ में, तो अडल्ट में यतेंद्र सर ये हो जाएगा 2123 upon 2123। अब अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर ले इनको, तो जो थर्ड पोजीशन है वहां पर देखो ये दो बढ़ गया, जी, तो अपर हाफ में दो बढ़ गया, लोअर हाफ में दो बढ़ गया, तो दूसरी साइड भी दो दो बढ़ गए, यही तो मतलब हुआ, तो ये क्या कहलाया था, ये प्रीमोलर कहलाया था, तो प्रीमोलर यतेंद्र सर कितने बढ़ गए, यहां पर 8 बढ़ गए, प्रीमोलर नहीं पाए जा रहे थे चाइल्ड में, प्रीमोलर पाए जा रहे हैं किसमें, अडल्ट में। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, ये 2 2, ये चाइल्ड में पाया जा रहा है, अच्छा ये यतेंद्र सर उधर उसको क्लोज करने चले गए, कोई नहीं, नेचुरल लगता है फिर भी, और यहां अगर बात करें तो 2 की बजाय 3 हो गया, इसका मतलब थर्ड मोलर अपर हाफ में, राइट अपर हाफ में एक बढ़ गया, लेफ्ट वो राइट लोअर हाफ में एक बढ़ गया, तो टोटल 4 बढ़ जाती है, तो मोलर कितने बढ़ गए, मोलर 4 बढ़ गए,
तो 8 प्लस 4 कितने हो गए योगेंद्र सर? 12 हो जाते हैं। तो केवल एक बार आते हैं और एक बार आते हैं, इसका मतलब इसको मोनो कह देंगे आप? जी जी, इसको कह देते हैं मोनो फायोडोंट टीथ। फायोडोंट टीथ, ठीक है। और मोनो फायोडोंट 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर, ये वैसे पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था बच्चों को अपन ने। नेक्स्ट 10। जी सर। चूज द सेट ऑफ एंजाइम व्हिच आर फंक्शनल इन एल्केलाइन मीडियम, मतलब बेसिक पीएच पर वर्क। ठीक है, मतलब सुनील जी, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ आरएनए को अगर छोड़ दें, राइबोसोम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं, अगर वो एसिडिक पीएच पे वर्क कर रहे हैं, तो उन एंजाइम के अंदर जो प्रोटीनियस पार्ट है, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनका अमाउंट ज्यादा होता है, तो वो एसिडिक पीएच पे बेटर वर्क कर पाते हैं। और जो भी एंजाइम बेसिक पीएच पे वर्क करते हैं, तो उनमें जो प्रोटीन है जिनसे वो बने हैं, तो उन प्रोटीन में जो अमीनो एसिड बेसिक होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, इसीलिए पीएच का उन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को ये देखना कि जो एल्केलाइन पीएच में वर्क करे, तो जैसे पेप्सिन की वजह से रॉन्ग हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी लाइपेज एमिनो पेप्टिडेज वर्क करते हैं, ये दोनों वर्क करते हैं, ठीक है, ये नहीं करता है। ठीक है, टाइलिन स्लाइटली एसिडिक पे वर्क करता है, 6.8। जी जी, ट्रिप्सिन जो है वो 7 या उससे वो पीएच पे वर्क कर सकता है। फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो बेसिक पे वर्क करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बेसिक पे करता है, और ट्रिप्सिन भी बेसिक पे करता है। यहाँ पर सुनिए जी, ये जो रेनिन है बच्चों के अंदर स्टमक के अंदर, तो ये एसिडिक पीएच पे वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोटाइडेज बेसिक पे करता है, और काइमोट्रिप्सिन भी बेसिक पे करता है। तो जैसे ही राउंड किया है बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ तो पेप्सिन की वजह से रॉन्ग हो गया, यहाँ फिर से पेप्सिन आ गया, यहाँ रेनिन आ गया। रेनिन के लिए आपको याद रख लेना है क्या, ये जो इन्फेंट्स होते हैं उनके स्टमक में इनकी बात की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रोटीज हैं, तो वो दोनों टाइप के होते हैं, एक्सोपेप्टाइडेज भी और एंडोपेप्टाइडेज। एंडो जो है वो प्रोटीन को अंदर से कट कर रहे हैं, जैसे एक्सोन्यूक्लियेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, न्यूक्लिक एसिड के जैसे बनाता है, वैसे ही पेप्टिडेज भी दोनों टाइप के हैं। एंडोपेप्टिडेज की बात करें तो आपका ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब जो प्रोटीन को एंड से कट करे, टर्मिनल एंड। जी जी, या तो एंड टर्मिनल से, ठीक है, या सी से, वापस COOH ग्रुप हो जाएगा। जी जी, और यहाँ पर तो अगर एन टर्मिनल या एमिनो टर्मिनल से कर रहे हैं तो वो एमिनो पेप्टिडेज हो गया। ठीक है, और अगर सी टर्मिनल से कर रहे हैं तो वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया। अच्छा, पैनक्रियाटिक जूस तो रिलीज करता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, और सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जो जूस है उसमें जो रिलीज होता है वो आपका एमिनो पेप्टिडेज हो जाता है। बिल्कुल, ये बात भी आपको याद रखनी है कि इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा तो एमिनो पेप्टिडेज सीक्रेट होता है, जो कि कैसा कहलाता है, एक्सोपेप्टिडेज है, और पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा कार्बोक्सी पेप्टिडेज सीक्रेट होता है, ये भी एक एक्सोपेप्टिडेज कहलाता है। सी कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है जिस एंड पर, वहां से कट करेगा, और जहां पर अमीनो ग्रुप है वहां से कट करेगा अमीनो पेप्टिडेज। तो आंसर इसका कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर। इसके अलावा जैसे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर यहाँ पर ये जो रेनिन वर्क करता है, इन एडल्ट में तो ये है नहीं, बिल्कुल, तो उसकी जगह जो मिल्क प्रोटीन डाइजेशन में काइमोट्रिप्सिन हेल्प करता है। ठीक है, एडल्ट के अंदर बिल्कुल, बच्चे याद रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा था, अच्छे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, द बैकफ्लो ऑफ फेकल मैटर Which is present in large intestine is present. ये तो अपने पहले भी discuss किया, last time बताया था। और ऐसा होता है, जो अपने blind sac बनाया था बच्चों एक, और वहाँ पर एक क्या बनाई थी, worm like structure भी बनाई थी, जिसको अपने vermiform appendix कहा था। यहाँ पर आकर ये तीन दिन open हो रहा था क्या, ilium, ilium part, और ilium की opening जो cecum में हो रही है वहां पर present होता है क्या, ileocecal wall, ileocecal wall यहाँ पर present होता है। ठीक है, इन बच्चों को अपन थोड़ा सा बता दें, वॉल और स्फिंक्चर, इन दोनों में क्या अंतर रहेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज रहेगी। तो स्फिंक्चर जो होता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर कहलाती है, जो इस होलो ट्यूब, फॉर एग्जांपल ये होलो ट्यूब है, इसकी वॉल में पाई जाती है मस्कुलर स्ट्रक्चर, और ये इस प्रकार कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। ठीक है, कंप्रेस्ड कर देती है, सर्कुलर मसल ज्यादा इन्वॉल्व होती है, सर्कुलर मसल का इन्वॉल्वमेंट इनमें कहलाता है, सही कहा आपने। और वहीं अगर मैं वॉल की बात करूं तो वॉल्व जो है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, बिल्कुल। और ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है होलो स्ट्रक्चर के ऊपर, वो इसको ल्यूमन को क्लोज करती है, फिर ओपन हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो है वॉल है, स्फिंक्टर नहीं है ना, ये स्फिंक्टर नहीं है। तो इनको टोटल जो स्फिंक्टर है वो भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहला जैसे अपर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है, फिर लोअर इसोफेगल होता है, बिल्कुल, इसको कार्डियो इसोफेगियल कहा जाता है, फिर पाइलोरिक हो गया, ठीक है, स्फिंक्टर के स्फिंक्टर है,
और उसके बाद में ये वाला जो है ये वॉल्व है, ये वॉल्व कहलाता है ना। इसके अलावा अपन अभी इनको शायद एनएस के रेस्पेक्ट में बताइए ना, एनएस बिल्कुल टर्मिनल इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। और इसके अलावा जो है आपका ड्यूडेनम के अंदर जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है, ठीक है, वहां पर स्फिंक्टर होते हैं, ओडाई, एक तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, और एक डक्टस कोलिडोकस या कॉमन बाइल डक्ट जो होती है उसकी वॉल, उसकी वॉल में भी होता है, वो आपका बॉयडेन है ना, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन हो जाए। ये टोटल स्फिंक्टर जो है बच्चे, बिल्कुल ये भी आपको एडिशनली याद रखना है जी। तो बैकलॉग किसने रोका है? इडियोसिकल वॉल ऐसा करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से कंटेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आने देगा, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, ठीक है। अरे ये दो कैसे लग गए इतने सर, एक मार्केट से लग गया, एक थर्ड 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 जी। 12 एंजाइम विटामिन्स हॉर्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज़ ऑल ऑफ देम, कि एंजाइम और जो हॉर्मोन्स हैं ये प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, और विटामिन हालांकि नॉन प्रोटीन है लेकिन ये ऑर्गेनिक में आते हैं, ओके, और इनको इनका सेम बायोलॉजिकल रोल जो है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो सारे प्रोटीन नहीं है, नहीं है ना। एंजाइम जो है मोस्टली प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम को छोड़ दे तो, बिल्कुल, विटामिन ऑर्गेनिक है लेकिन प्रोटीन नहीं है, हॉर्मोन्स जो है वो प्रोटीनियस भी होते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं, ठीक है। फिर एनहेंस द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसको एंजाइम विटामिन के साथ मिलकर कर सकते हैं लेकिन हॉर्मोन का डायरेक्टली वहां पर रोल नहीं है, ठीक है। फिर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें, घटाने बढ़ाने का जो काम होता है, तो ये इनमें कॉमन हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन भी कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 रहेगा बच्चों, द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस बाय टिश्यू इज कॉल्ड एड, ये अभी हमने बताया भी था, ये तीन सर ने डेफिनेशन बताई थी कि वो फूड सब्सटेंस जो अपटेक कर लिया गया है, जो ब्लड में पहुंच गया है, वो ट्रांसपोर्ट होकर टारगेट साइट तक पहुंच रहा है जहां पर उसका स्टोरेज किया जाएगा, और उसके बाद वो जो सेल है टारगेट सेल वो इस स्टोर्ड फूड का क्या करती है, यूटिलाइजेशन करती है, किसके लिए? बॉडी ग्रोथ के लिए, रिपेयर मैकेनिज्म के लिए। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है बच्चों? असिमिलेशन कहलाता है, स्वांगीकरण, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर डीग्लूटिनेशन दे रखा है, तो ओरल कैविटी से फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस में बोलस का पहुंचना, इसको निगलना कहा जाता है, तो ये डीग्लूटिनेशन हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन वो आपको बताया था कि फैट के डाइजेशन की इनिशिएशन जो है वो बाइल सॉल्ट की एक्शन के कारण होती है, मिशेल का फॉर्मेशन होता है, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होता है, आगे देखेंगे। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट हो जाएगा, एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल मूवमेंट हो जाता है जहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है? डायरिया, और कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 14। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, द मेन पर्पस ऑफ दिस, अगर फूड मॉलिक्यूल्स जो बड़े हैं तो इजीली एंजाइम्स जो हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे उनको डाइजेस्ट करने के लिए, और मान लो अगर उनका मैकेनिकल डाइजेशन हो गए तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में चेंज हो गए, तब इजीली एंजाइम इनके इंटीरियर में जाकर के जो है इनको डाइजेस्ट कर पाएंगे, कह सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जी जी, तो उसी की बात करते हैं, मेक द फूड सोल्युबल, चलो कह सकते हैं, और भी देखते हैं, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी, इससे इतना डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फैसिलिट एंजाइम रिएक्शन, और हाँ ये वाला परफेक्ट चला जाएगा, प्रोवाइड मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर एब्जॉर्प्शन और फिर फैसिलिट एंजाइम रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम इजीली जो है अंदर की तरफ जाकर के इनको डाइजेस्ट, और लास्ट जो दे रखा है मेक द पैसेज ऑफ फूड अलोंग द गट इजियर, ऐसा तो ल्यूब्रिकेशन की वजह से होता है जी, और जो म्यूकस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्जोक्राइन पार्ट क्या कहलाता है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो तो क्या कहलाती है, एंडोक्राइन पोर्शन बन जाएगा जी, और पैनक्रियाटिक एसिड नहीं क्या बन जाता है इसका, वो एक्सोक्राइन पार्ट को रिलीज करने वाली सेक्रेटरी यूनिट है ना, पैनक्रियाटिक एसिड नहीं, ये 99% है, बिल्कुल ये 99% है, जबकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1% कहलाते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक्सोक्राइन ऑफ एक्सोक्राइन का मतलब एंजाइमेटिक पार्ट सीक्रेट करेगा, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल पार्ट सीक्रेट करेगा, हार्मोन ग्लूकागन एक हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है,
लेकिन स्टीएप्सिन लाइपेज जिसको पैनक्रियाटिक लाइपेज भी कहा जाता है ये एक्टोफैन आंसर कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट बात करते हैं 16 जी सर लार्ज वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम लार्ज वैरायटी मतलब जिसमें हर टाइप के बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो फैट भी डाइजेस्ट हो और आपका न्यूक्लिक एसिड भी हो ना न्यूक्लिक एसिड तो ये तो पैनक्रियाटिक जो जूस है उसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है ना तो यहाँ पे लेकर की फंक्शन इन कि इसमें फंक्शन करते हैं साइड पूछ रहा है जी साइड पूछ रहा है जी जी तो लार्ज होगा नहीं स्टमक होगा नहीं और ओरल कैविटी होगा नहीं केवल कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिलीज किया जा रहा है पैनक्रियास से तो यहां पर वो वर्क करता है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्यूडो डाइजेस्टिव जूस मतलब जिसमें एंजाइम ना हो इस लाइन का मतलब है स्यूडो डाइजेस्टिव जूस मतलब जो डायरेक्टली एक्शन नहीं कर रहा है डाइजेशन के लिए डायरेक्टली जो है वो फूड सब्सटेट के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है ये तो केवल फैसिलिटेट करवाएगा ठीक है तो खुद के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जा रहा है और ऐसा कौन होता है बाइल जूस कहलाता है ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है सकस एंटेरिकस पहले ही बता दिया इंटेस्टाइनल जूस कहलाता है पैनक्रियाटिक जूस की बात करें गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट होता है स्टमक रीजन में ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें 18 जी सर स्टमक का फिगर है और इसमें करेक्ट लेवलिंग देखनी है तो ये तो इसोफेगस वाला पार्ट हो गया और ये फंडिक पार्ट हो गया जिसमें गैसेज वगैरह भरी होती है और ये कार्डियक पार्ट हो गया ठीक है इसके अलावा आप ये देखें तो ये बॉडी वाला पार्ट ये मेन पार्ट कहलाता है और ये पाइलोरिक पार्ट हो गया ठीक है जो नैरो रीजन कहलाता है नैरो रीजन कहलाता है ओके तो एक के लिए इसोफेगस बी के लिए फंडिक ठीक है और सी के लिए कार्डियक सी के लिए कार्डियक और डी के लिए पाइलोरिक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर चला जाएगा और यतेंद्र सर अगर एक ही जगह इसोफेगस ना दिया होता किसी भी ऑप्शन में जी और यहाँ एक ऑप्शन में ये दिया होता कि कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्चर तब वो चला जाता ना क्योंकि इसको हाइपोथेटिकल आप मान सकते हैं कि ठीक है इसलिए यही होता है बिल्कुल लगभग यहाँ पर पाया जाता है कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्चर ठीक है बच्चों नेक्स्ट 19 रहेगा Which is the correct statement? The pancreas gland is heterocrine. बिल्कुल endocrine portion भी है, exocrine portion भी है. Endocrine portion islets of Langerhans कहलाता है, और exocrine portion जो है pancreatic acid नहीं कहलाता. अभी अपन ने बात की थी. Exocrine part of pancreas secrete hormone like exocrine नहीं करता है, endocrine करता है. और यहाँ पर दे रखा है endocrine part alkaline pancreatic juice गलत बात. तो इन दोनों की वजह से ये इंटरचेंज हो जाने चाहिए थे, ये यहाँ पर आ जाना चाहिए था, ये यहाँ पर. तब सही होगा. तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. Next 20. Which hormone is responsible for initiating the secretion of pancreatic juice? Pancreatic juice मतलब CCK pancreozymin. बिल्कुल ठीक बात है. Intestine से रिलीज हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर enterogastron की बात हम लोग नहीं करेंगे. Cholecystokinin pancreozymin होता है. बिल्कुल. तो यहाँ पर जो perfect है वो ये चला जाना चाहिए. सिक्रेटिन और पैनक्रियाज़ाइमिन. बिल्कुल. सिक्रेटिन तो बाइकार्ब रिलीज कराएगा डक्ट से. ठीक है. पैनक्रियाज़ाइमिन पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं उनको रिलीज. हाँ बिल्कुल. ए, जो पैनक्रियाटिक एक्शन है ये अपन ने कहा है वहां पर जाकर ये एक्ट करेगा. और ये किसके एंजाइम्स कहलाते हैं? ये सॉरी ये हार्मोन. ये किसके हार्मोन कहलाते हैं? ड्यूडिनल वॉल के द्वारा सिक्रेट हार्मोन ये कहलाते हैं. नेक्स्ट बात करें, ये जो यहाँ पर एंटेरोगेस्ट्रोन दे रखा है ये भी सीक्रेट होता है ड्यूडेनम की वॉल से ही, और ये जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है स्टमक की उसको रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है. कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करेगा और उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा जिसकी वजह से सिस्टिक डक्ट से होता हुआ जो कंसंट्रेटेड बाइल है ये कहां पहुंचेगा ड्यूडेनम. हालांकि अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये और ये एक ही एक साथ, और जिसको इस प्रकार लिखा जाता है CCKPZ. जैसे CCK और ये PZ, तो ये इस हार्मोन की ये यूनिट तो टारगेट करती है गॉल ब्लैडर को, और ये यूनिट टारगेट करती है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन पार्ट. बिल्कुल ठीक बात है. 21 जी सर. एंजाइम इनवर्टेज मतलब इनवर्ट शुगर जो होती है ना, और ये बायोमोलिक्यूल में बच्चों ने पढ़ा भी है कि जो ये सुक्रोज होता है उस पर वर्क करता है. बिल्कुल. तो इनवर्टेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर चेंज कर देती है. एक्ट ऑन इनवर्ट शुगर. इनवर्ट शुगर इनवर्ट शुगर और इनवर्ट शुगर कौन सी कहलाती है? सुक्रोज. जी तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा. हाँ, और फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ठीक है. नेक्स्ट 22 हो जाएगा. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? वेट ऑफ लीवर इज अबाउट 1.2 टू 1.5 किलोग्राम इन अडल्ट ह्यूमन. एनसीईआरटी की लाइन है भैया. सही है. लीवर स्टिमुलेट लीवर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम एंड हैज द टू लोब. तो अपन बात करें ये डायफ्राम रीजन हो गया इतने सर, और यहाँ पर ये लीवर हो जाएगा जी. और इस लीवर की ये वाली लोब तो राइट लोब कहला जाएगी,
और ये वाली लॉब लेफ्ट लॉब कहलाती है। और ये जो राइट लॉब होती है इसके ठीक नीचे ये तीन जैसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये गॉल्ब्लैडर पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात ठीक होगी। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लीवर, बिल्कुल ठीक बात है। हेक्सागोनल यूनिट्स कहलाते हैं, विल्सन कैप्सूल से कवर है बिल्कुल, और मैमेलियन फीचर भी ये कहलाता है, विल्सन कैप्सूल का पाया जाना। और करेक्ट पूछा है आपने, इसका मतलब सारे करेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट 23 करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, टाइलिन एंजाइम एंड लाइसोजाइम आर प्रेजेंट इन सलाइवा, बिल्कुल सही है। टाइलिन जो है वो अल्फा एमाइलेज भी है, ओके, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है ना, एमाइल कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लाइसोजाइम भी होते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल में परफोरेशन करके उनको किल करते हैं, ओके, और ये जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी एक्ट करते हैं। चलो तो ये वाला सही हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प इन इनहिबिशन ऑफ सलाइवा, बिल्कुल सही है। सिंपैथेटिक जो है वो सलाइवा सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, पर पैरासिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक है वो स्टिमुलेट करता है। इसलिए इमरजेंसी की कंडीशन में जो अपनी ओरल कैविटी है वो ड्राई होने लगती है, ओके, आदमी जब भी स्ट्रेस में होता है तो फिर पानी पीता है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से जो सलाइवा सेक्रेशन वो इनहिबिट हो जाता है, तो ये वाला भी जो है कनेक्ट हो जाएगा। एंड इन फ्रॉग सलाइवा ग्लैंड आर एब्सेंट, फ्रॉग में नहीं होती है, टोड में होती है, ये अपन ने कंपैरिजन किया था टैक्सोन, बिल्कुल बट प्रेजेंट इन टोड, ये याद रखना है आपको, बट प्रेजेंट इन टोड। तो सारे ठीक हो गए इंद्र सर, जी जी, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। और इसके अलावा सुनो जी, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड पूछे तो हमारे रेस्पेक्ट में पैरोटिड हो गई, पैरोटिड हो जाती है, और उसके बाद में सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर सॉरी, बिल्कुल सब मैक्सिलरी है ना, ठीक है, और उसके बाद में सब लिंगुअल। सबसे ज्यादा सलाइवा पैरोटिड है, लेकिन अपन देखें कि उसमें जो टाइलिन का जो सिक्रेशन है मैक्सिमम वो पैरोटिड कर रही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सलाइवा की बात करें तो वो आपका सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर है ना, मैक्सिमम सलाइवा सब मैंडिबुलर, और मैक्सिमम टाइलिन पैरोटिड, ठीक है, और लार्जेस्ट पैरोटिड, ये चीज याद। और पैरोटिड ये जो ईयर पिन्नाए इनके ठीक आगे की ओर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और एट द टाइम ऑफ वायरल इन्फेक्शन यहाँ पर सूजन भी आ जाती है, गांठ जैसी बन जाती है यहाँ पर, जिसको मम्स कहा जाता है, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी है, हाँ, तो सलाइवा भी सबसे ज्यादा ये रिलीज करेगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा याद रखना, सबसे बड़ी जरूर है लेकिन सलाइवा मैक्सिमम सब मैंडिबुलर, हाँ, उस सलाइवा में जो टाइलिन है एंजाइम जिसको अपन बोल रहे हैं वो पैरोटिड हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये दो टाइप की अपन ने टिश्यू पढ़ाया था कि एक तो सीरस होती है, एक म्यूकस होती है, म्यूकस होती है, तो सीरस का मतलब वाटर लाइक, ठीक है, और वो टाइलिन है, ओके, और म्यूकस मतलब जो जिलेटिनियस सब्सटेंस है, तो वो सब मैंडिबुलर जो रिलीज करती है, बिल्कुल, तो सलाइवा दोनों का मिक्सचर है, सीरस एंड म्यूकस दोनों पार्ट यहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये भी अच्छा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट 24 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत पता करना है, स्टमक इज जे शेप्ड, बिल्कुल, अगर कुछ भी ना बोले एम्प्टी है, खाली है, अपने को तो यही मानना है ये कैसा जे शेप कहलाता है। इन स्टमक म्यूकस सिक्रेटेड बाय द गॉब्लेट सेल, बिल्कुल, इसको म्यूकस नेक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इन स्टमक HCl एंड कैसर इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय द ऑक्सेंटिक सेल या पैराइटल सेल, हां, ऑक्सेंटिक सेल का ही अनदर नेम जो है वो पैराइटल सेल कहलाता है, और दूसरी सेल जो है वो पेप्सी पेप्टिक सेल कहलाती है, पेप्टिक सेल चीप सेल या जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल जो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करवाती है या प्रोरेनिन ना, बिल्कुल प्रोरेनिन का सिक्रीशन करवाती है। इन स्टमक ट्रिप्सिन, नो पेप्सिन, हां पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, और एचसीएल में वो पेप्सिन भी नहीं होता, पेप्सिनोजन होता है, और जो ल्यूमन में पहुंचकर एचसीएल की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अपने ये कर दिया था क्या, तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार कर देते हैं, रॉन्ग अगर देखे तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग पूछा तो आंसर फोर चला जाएगा, ठीक है। 25 जी सर, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है, और जैसे लिख रखा कि गलेट इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है वो वो ग्लोटिस होती है, ग्लोटिस होती है, जो एपिग्लोटिस से कवर्ड रहती है ना, ठीक है, फूड को निकलता है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, जी जी जी, और इसोफेगस जो है उसकी ओपनिंग को गलेट बोला गया, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया, लिखा ग्लोटिस इज ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, ये भी रॉन्ग हो गया, इंटरचेंज हो जाए तो सही हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाए और ये वाला यहाँ पर आ जाए। फिर यूज टेकन टू प्रेजेंट बिटवीन फेरिक्स एंड मिडल ईयर, सही है, बिल्कुल, मिडल ईयर और फेरिक्स के बीच में होता है, एयर प्रेशर को दोनों तरफ इक्वलाइज करने का काम करता है। फिर लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ फेरिक्स एंड ओरल कैविटीज अरेंज्ड इन रिंग लाइक मैनर,
और उसी को वेल्डियर रिंग बोला गया। ये लास्ट लेक्चर में अपने बात की भी थी। यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ अगर देखें तो फेरिंगियल टोन्सिल होता है, फेरिंगियल हो गए। फिर यहाँ पर रिंग वालों पर जाते हैं पैलेटाइन कह सकते हैं, पैलेटाइन या ट्यूबल जो कि सॉफ्ट पैलेट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वो जो है टंग से लिंगुअल हो लिंगुअल टॉन्सिल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो एक रिंग की फॉर्म में अरेंजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जब भी फूड के साथ कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है तो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से हमें प्रोटेक्ट बिल्कुल ये डिफेंस जो बॉडी का डिफेंस है उसमें ये पार्टिसिपेट करवाते हैं। और यहाँ पर जो है वो लिम्फोइड टिश्यू रीजन भी कह सकते हैं जी। तो अपना क्या हो जाएगा, ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया, इसका मतलब सही कौन से हो गए, सी एंड डी। करेक्ट पूछ रहा है ना, और सी एंड डी तो ऑप्शन नंबर टू चला जाएगा, ठीक है। पहले दोनों तो गलत हो ही गए थे, नेक्स्ट 26 हो जाएगा। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से करेक्ट पूछ रहा है। जॉन्डिस द लीवर इज अफेक्टेड, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न्स येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। तो यहाँ पर लीवर में कुछ फिजियोलॉजिकल डैमेज हो जाए या फिर ब्लॉकेज आ जाए जो बाइल सिक्रेटरी डक्ट्स हैं, तो फिर उस ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि मोर अमाउंट ऑफ पिगमेंट जो है वो ब्लड का पार्ट बनेंगे और आईज हो गए जैसे नेल्स पार्ट हो गए, ये येलोइश कलरेशन। तो डिस्कस किया था कि जो आरबीसी का पूरा लाइफ साइकिल है, जब वो हीमोपोइसिस के बाद ब्लड में रिलीज होती है तो 120 दिन तक वो वर्क करती है, उसके बाद में सर्कुलेशन से वो लीवर और स्प्लीन में जाती है, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन होगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है जी जी। तो हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन होता है, ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं, ग्लोबिन टूट के अमीनो एसिड वापस सर्कुलेट हो जाते हैं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन बनता है। और हीम वाला पार्ट जो है उसमें आयरन अलग हो जाता है, आयरन को भी स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी पिगमेंट पार्ट, पिगमेंट वाला पार्ट है जिसको बिलिरुबिन बिलिरुबिन की फॉर्म में लीवर जो है बाइल की फॉर्म में रिलीज करवाता है बाहर, बिल्कुल। लेकिन जब भी इसमें अबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उनका सिक्रेशन को बाहर की तरफ जो है एलिमिनेट नहीं किया जाता, वो ब्लड का पार्ट बन जाएंगे, बॉडी में स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पिगमेंट स्किन में पूरी बॉडी में स्टिमुलेटेड येलो कलर दे। ठीक ठीक बात है। तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। constipation, the fecal discharge are retained within the rectum as the bowel movement occur irregularly. और bowel movement कैसे irregular, कैसे धीमे, slow कह रहे हैं, तो irregularly मतलब slow, ठीक है, यहाँ पर slow से मतलब है इसका, तो ये बात भी सही होगी। In vomiting, it is ejection of stomach content through the mouth. The reflex action is controlled by the vomit center in the medulla oblongata. बिल्कुल NCERT की ही definition है पूरी की पूरी। तो stomach का जो content है ये forcefully बाहर आ जाना, ठीक है, और फिर बकल कैविटी से माउथ से होता हुआ ये बाहर निकल जाना, और इसके लिए सेंटर कहाँ पाया जाता है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। ये सेंटर भी अलग से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वोमिटिंग सेंटर कहाँ है, वोमिटिंग सेंटर कहाँ है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा इसका चला जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। इनडाइजेशन, दी कोच ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, बिल्कुल सही। एंजाइटी हो सकता है जी, एंजाइटी घबराहट, ठीक है, ये बच्चों के एग्जामिनेशन टाइम में बहुत देखा जाता है। फूड पॉइजनिंग जो है वो इसका कारण है, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड मसालेदार खाने की वजह से भी होता है। तो सारे ये दिन से ठीक हो गए, आपकी तरफ वाला ऑप्शन चला जाएगा, और ये मतलब चारों एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। तो आंसर नंबर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 4 जी। 27, Which of the following is not a matching pair? Okay, matching pair नहीं है ये पूछ रहा है। Buffer cell, phagocytic cell, liver भी सही है। ठीक है। Pair पे चल, lymphoid tissue area में सही है। ठीक है। Ostra pouch like wall होती है colon के अंदर। तो ये भी सही है क्योंकि इसके अंदर tinea coli नाम की muscles होती हैं। बिल्कुल। तो muscle की length कम होती है और इनकी length ज्यादा होती है, तो muscle की वजह से खींच जाते हैं। बिल्कुल। और pouch like form में change हो जाते हैं। तो ये वाला भी विलय के रेस्पेक्ट में पूछा, बिल्कुल। तो इनको होस्टा को ये भी कह सकते हैं क्योंकि ज्यादा पानी एब्जॉर्प्शन के लिए एक एडेप्टेशन है, कैसे कि सरफेस एरिया वगैरह इंक्रीज करने के लिए। ठीक ठीक बात है। विलय के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट इन कोलोन में नहीं होती, जेजुनम इलियम में वेल डेवलप्ड कोलोन के अंदर अपन जो एपिथेलियल टिश्यू बताते हैं, सिंपल कोलमनर ग्लैंडुलर, ठीक है, टिश्यू होता है, बिल्कुल ब्रश बॉर्डर नहीं है, ब्रश बॉर्डर नहीं है ना, तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और आपने ये पूछा क्या है, नॉट ए मैचिंग पेयर, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 28, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल ठीक बात है, अटैच्ड एट एंटीरियर एंड, एंटीरियर नहीं ये पोस्टीरियर होना चाहिए था, क्योंकि अपनी जो टंग है इसको अपन बाहर भी निकाल सकते हैं, अगर आगे से जुड़ी हुई होती तो अपन बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसे ही अगर फ्रॉग में आगे जुड़ी हुई
और पोस्टीरियर पार्ट फ्री है, फ्री तो है। वो इस तरीके से बाहर की तरफ टंग को फेंकता है, फेंकता है, और कोई भी इंसेक्ट चिपक के वो वापस अंदर रोल इन कर लेता है। बिल्कुल ठीक बात है। फ्रॉग में हमारे से उल्टा है, उल्टा होता है। तो अपने में पोस्टीरियर पार्ट जो है टंग का, ये फ्लोर ऑफ बकल कैविटी या ओरल कैविटी जो है उससे जुड़ा रहता है। तो ये क्या हो गया, रोंग हो गया। और अपने से रोंग ही पूछा है तो आंसर भी यही चला जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्लाइवा चेंजेज अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इन द फूड इनटू द डाइसैकेराइड माल्टोज और स्मॉल अमाउंट में अल्फा डेक्सिन का फॉर्मेशन भी ये करवा देता है। देयर आर नो टेस्ट बट फॉर टेस्टिंग चिलीज। बिल्कुल मिर्च के लिए टेस्ट बर्ड नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब भी ये जाती है तो पैन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैन रिसेप्टर की वजह से जो सेंसेशन होता है वो हमें फिर ऐसा लगता है जलन हो रही है। बिल्कुल, वही आदमी को अच्छा भी लगता है। इसको मियामेज टेस्ट भी कहा जाता है। और एक्चुअल में जो है इसके लिए कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते। पैन मतलब जो रिसेप्टर वो एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। बिल्कुल, the teeth and tongue with the help of saliva masticate and mix up food thoroughly। बिल्कुल ठीक बात है। तो teeth और tongue जो है, teeth का तो काम क्या हो गया, उसको mechanically digest करना, ठीक है, और ऐसा chewing of food हो जाता है। tongue क्या करता है, जो food है उसको कभी इधर वाले दांतों के नीचे और कभी इधर वाले, कहने का मतलब movement करवाता है उस food का दांतों के नीचे जाने के लिए। तो दोनों ही जो है वो mastication में help करते हैं। तो आंसर इसका फर्स्ट चला जाएगा 29 जी। मैमेलियन लिवर एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसकी बात हमने की थी कि जो लोब्यूल सब ग्लिसन कैप्सूल से कवर्ड रहता है, तो कोलेजन जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे बना होता है, ठीक है। तो विल्सन कैप्सूल भी और कुफर सेल्स भी, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में अपन जो है याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट दे रखा है, तो ये तो WBC कहलाती है। और केनाली कुली की बात करेंगे तो ये तो अपने बोन की स्ट्रक्चर में के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लिसन कैप्सूल हो जाएगा, ल्यूकोसाइट का मतलब नहीं है, WBC है ये। कफर सेल ठीक है, लेकिन ल्यूकोसाइट फिर से आ गया। लेकिन जैसे अपन देखें कि ल्यूकोसाइट में कई हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक फाइक ही है कि जो मैक्रोफेज है कौन सी, कफर सेल। बिल्कुल, इसलिए परफेक्ट चला। तो मैक्रोफेज ऑफ लीवर क्या कहलाती है, कफर सेल कहलाती है। ये मैक्रोफेज कौन कौन सी होती है वो पहले हमने बताया था। ल्यूकोसाइट लगे तो वो तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, अलग अलग टाइप की बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें 30, ए सिक्रीशन दैट डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो टाइलिन तो केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा जी, बिल्कुल। पेप्सिन केवल प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट भी करेगा और प्रोटीन भी करेगा। कार्बोहाइड्रेट भी होता है और तो प्रोटीन का पार्शियल जो डाइजेशन है वो अफेक्टेड होगा और बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा, ठीक है, क्योंकि Fe3+ से 2+ में चेंज नहीं होगा, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। बिल्कुल, इसके अलावा परनीशियस एनीमिया भी हो सकता है। बिल्कुल, या जिसके रिजल्ट बाद में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर अगर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, लास्ट टाइम डिस्कस भी अपन जो मैच्योरेशन ऑफ RBC के लिए रिस्पांसिबल होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो HCL के रिलीज नहीं होने की वजह से तो जो पैराइटल सॉरी पेप्टिक चीप सेल जो पेप्सिन उसे रिलीज कर रही थी उसका एक्टिवेशन भी नहीं होगा, है ना, तो डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एंटेरोकाइनेज तो इंटेस्टाइन से रिलीज होता है ड्यूडेनम रीजन से, तो ये वाला इससे रिलेटेड नहीं है। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन काइम। काइम तो फूड की वजह से जाने के बाद में बनता है, चलो फिर भी और देख लेते हैं। पेप्सिनोजन विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन तो होगा ही, होगा, क्योंकि जो चीप सेल या पेप्टिक सेल है वो फंक्शनल है, ये तो होगा। इन एब्सेंस ऑफ HCL सिक्रेशन इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम। ये वाला परफेक्ट चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि अगर ये होगा और आपका फूड भी आएगा, इसके अलावा म्यूकस वगैरह रिलीज होगा तो वो कुछ काइम फॉर्म में कन्वर्ट जरूर हो सकता है। तो ये वाला जो है अपन परफेक्टली इसमें नहीं कह सकते, ये ज्यादा मोर एप्रोप्रिएट इसमें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट 32, सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई अमंग द फॉलोइंग। द पोजेजेज माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल। बिल्कुल, विलाई की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी दिखाई है, बीच में लैक्टियल पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं,
तो ये बात भी ठीक है. दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट. नो, डाइजेशन ऑफ फैट में इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ये तो केवल वो एंजाइम करते हैं. एब्जॉर्प्शन में जरूर है, एब्जॉर्प्शन वो भी लैक्टियल के अंदर हो रहा है. लैक्टियल बिल्कुल. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा. विलाइन या विलनेस, उस पे कोलमनर सेल्स और उन पर माइक्रोविलाई. उन पर माइक्रोविलाई. और अपने से नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट ट्रू इसके लिए 4 चला जाएगा. नेक्स्ट 33. Men cannot digest cellulose, whereas cow and other herbivores can, because हमारे पास cellulase नहीं है. Cellulase नहीं है ना, तो यही इसका main जो है वो कारण है. तो they have enzyme cellulase in their stomach. नहीं भाई, पूछा कि हम नहीं digest कर सकते हैं. हाँ, तो हमारे अंदर क्या है? हाँ, तो they masticate as well. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है. They have bacteria in their element. क्या नहीं, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा, men cannot digest cellulose, cow and herbivores can. ये कर सकते हैं क्योंकि, है ना, इसके रेस्पेक्ट में. इस पे रेस्पेक्ट में तो फिर तो बैक्टीरिया वाला चला जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर थर्ड जाना चाहिए. आंसर जो है इसका थर्ड चला जाएगा. तो उसमें भी जो है इनिशियल जो कंपाउंड स्टमक वाला पार्ट है, उस रेस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं. यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, सिंबायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, और प्रोटोजोआ भी होती है जो ऐसा करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें आप. मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, जबकि गाय तथा अन्य शाकाहारी इसका पाचन करते हैं, क्योंकि. तो मानव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मानव में क्या नहीं होते हैं? मानव में तो ये होते नहीं, और हर्बीवोरस में ही होते हैं ये पाए जाते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट 34. What happened if the outer sphincter muscle of anus become smooth? तो internal की बात करें तो वो तो कैसी कहलाती है? Involuntary. और outer कैसी होती है? Voluntary. तो outer थोड़ा सा color, सुनील जी color change. हाँ बिल्कुल, ये लीजिए सर. तो सुनील जी, ये तो जैसा अभी आपने बोला internal, internal और involuntary sphincter है ना. हाँ, और ये smooth muscle का बना, smooth muscle और smooth muscle involuntary होगी. और ये हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर है ना, ठीक है. और ये हो गया आपका स्केलेटल मसल का बना होता है. और स्केलेटल मसल मतलब वॉलंटरी हो जाएगा जी. अब ये कह रहा है जितेंद्र सर, आउटर स्फिंक्टर मसल स्मूथ हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर अनकंट्रोल्ड डेफिकेशन, क्योंकि जो है जैसे ही ये रेक्टम वाला पार्ट है, यहाँ पर एक्सक्रीटा इकट्ठा होगा, तो ये तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो ये मसल रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है. लेकिन उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से ये हमारे मतलब ये स्केलेटन मसल की फॉर्म में बनी हुई है, ये हमारे कंट्रोल में, जिसकी वजह से हम लोग डिफिकेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं. लेकिन अगर ये भी स्मूथ हो जाए तो फिर हमारे कंट्रोल में रहेगा ही नहीं. बिल्कुल, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो वाली कंडीशन हो जाती है जो एक्चुअल में बच्चों के केस में देखा जाता है. फिर भैया कुछ नहीं है, पोतड़े धोते रहो, सुखाते रहो, चले चलते हैं. उनमें इनिशियली जो है ये जो रेगुलेशन वो हो नहीं पाता, ठीक बात है. बाद में धीरे धीरे वो सीखते हैं. बिल्कुल. इसको इंटरनल एनल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो जाएगा. इसी तरीके से जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है उसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. और इंटरनल स्मूथ का और एक्सटर्नल स्केलेटल स्केलेटल. तो बिल्कुल इंटरनल इनवॉलंटरी और एक्सटर्नल वॉलंटरी हो जाएगा यूरेथ्रा के केस में. यूरेथ्रा, ठीक है. तो अनकंट्रोल्ड डेफिकेशन हो जाएगा जी. बिल्कुल. नेक्स्ट 35 की बात करते हैं. इफ स्टमक इज रिमूव्ड एंड इसोफेगस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम. स्टमक को ही हटा दिया है और इसोफेगस को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया किसे? ड्यूडेनम से. इसका मतलब स्टमक में क्या हो रहा था? स्टमक में बढ़िया पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा था, पेप्टोन्स प्रोटीन अफेक्टेड हो जाएगा. तो बिल्कुल बिल्कुल. तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड, गलत बात. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अफेक्टेड, ये बात सही है. उसे भी लिख सकते हैं बच्चों को याद रखना, पार्शियली है ना. हां, पार्शियल डाइजेशन जो है, अगर इसी के रिलेटेड एक ऑप्शन ये दिया होता डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज पार्शियली अफेक्टेड, तो वो ज्यादा सही हो जाता. तो मोर करेक्ट, पार्शियली अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट 36. Proteolytic enzyme do not forward lining of elementary canal, क्योंकि वो inactive form में release होते हैं, ये भी बात zymogenic form में, ठीक है, और इसीलिए वो वहाँ पर work नहीं करते, नहीं कर पाते. और जब भी उनकी जरूरत होती है तो hormonal stimulation की वजह से उनको release कर दिया जाता है, और उसके बाद में site of action पे जाकर के वो activate होते हैं, okay. और तुरंत जो भी उनका substrate है उन पर वो work करते हैं, ठीक है. They are secreted in inactive form, सही zymogenic form बोलते हैं, ठीक है. यही चला जाएगा पर. और अपने से पूछा क्या है, ये पूछा है कि क्यों कोरोड नहीं करता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, ठीक है जी. 37 हो जाएगा. मैच करना है आपको विटामिन ए, कॉर्नियल क्रिएटिनाइजेशन करवाएगा, विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया करवाएगा, ये बच्चों को समझा दिया, पहले ही समझा दिया, कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर. विटामिन B2 किलियोसिस करवाता है, मुंह में छाले हो जाना, और ये होते और भी किनारों से फट जाते हैं, फट जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो लाइनिंग जो मार्जिन होते हैं किसके, लिप्स के,
उनमें भी क्या आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, ये क्या कहलाता है, किलियोसिस कहलाता है। तो केरेटिनाइजेशन में ये कॉर्निया केरेटिनाइजेशन की वजह से जैसे ये केरेटिनाइज है, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी कम हो जा रही है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। केरेटिन का जो जीन है उसके एक्टिवेशन में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसी वजह से सब। तो फिर इस केस में तो अपने को कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा, है ना जी, ये इसका क्योर कहलाता है। नेक्स्ट 38, मम्स के रेस्पेक्ट में जैसा आपने शुरुआत में भी बच्चों को बताया था, ठीक है, कि जो ईयर है हमारे उनके पास में जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है, पैरामाइट्सो वायरस है ना, पैरामाइट्सो वायरस, ठीक है, एयरबोर्न डिजीज है ये, ठीक है, इसमें या तो एक पे इफेक्ट पड़ता है किसी पे या दोनों पे, और अफेक्टेड होने के बाद में स्वेलिंग हो जाती है इस तरीके से, माउथ ओपन हो नहीं पाता है, ठीक है, वो लिक्विड डाइट पे रहता है और 7-8 दिन में अपने आप सही हो जाता है, बिल्कुल, कई मामलों में टेस्टिस में भी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वही मम्स के रेस्पेक्ट में तो पैरोटिडिस में चला जाए, बिल्कुल। ये तीन सर, ये क्या बनाया आपने? ये पैरोटिड ग्लैंड है। अच्छा, चेहरा बनाया आपने, ये फेस है, इसकी इसकी आंखें, वो भी बना दो माउथ, जो बच्चों, हां बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये हो गया, वेरी गुड। ये यार उदास उदास क्यों बना दिया, तो इसको उदास, ये इन्फेक्शन हो गया इसलिए। ओह वेरी गुड, आप तो काफी डिटेल का सोचे। चलो यहाँ पर इसको स्माइल दे देते हैं, इन्फेक्शन यहाँ होने की वजह से वो बड़ी हो गई, तो यहाँ पर उदास कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो 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 चले बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा। ए फेरिंक्स, बी सी लंग्स, स्टमक, इसका मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ईसोफेगस तो अंदर से बाहर आ जाएगा, गलत बात होगी। ट्रेकिया फिर से अंदर से बाहर आ जाएगा, गलत बात होगी। ओरल कैविटी, सही बात है, यहाँ ओरल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंक्स, बिल्कुल, फेरिंक्स रीजन में। अब फेरिंक्स में दो ओपनिंग होगी, जो एंटीरियर ओपनिंग कहलाती है आगे वाली, वो तो ट्रेकिया की होगी जिसे ग्लोटिस कहा जाता है, और पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है वो स्लाइटली अबव होती है ग्लोटिस से, जिसको गलेट कहा जाता है, ईसोफेगस की हो जाती है। तो फेरिंक्स से लंग्स से रिलेटेड जो होगा वो तो कौन सा हो जाएगा, लैरिंक्स हो जाएगा, या अपन ट्रेकिया भी कह सकते हैं, ट्रेकिया कह सकते हैं, फिर देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सी स्टमक बोला है, तो स्टमक से ट्रेकिया तो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। व्हिच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेल, अपने डायग्राम में बिल्कुल, जहां पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ना, सिकम जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें वन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जुड़ी होती है, बिल्कुल सर, और एकमात्र पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो इसका एक एंड क्लोज्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट 41 हो जाएगा। ए पेशेंट इज एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, पल्स, मिल्क, एग इन द डाइट व्हेन द पेशेंट इज सफर फ्रॉम, इसका मतलब सारी चीजों में प्रोटीन की कमी की वजह से, और प्रोटीन की कमी की वजह से तो मरा मरा तो नहीं हो सकता, तो वॉश योर कर हो जाएगा आंसर, एक से पांच साल तक के बच्चों, बिल्कुल। स्कर्वी की बात करें, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होता है, रिकेट्स की बात करें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं, पर्निशियस एनीमिया भी हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है, जो कि एक जेनेटिक या इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहलाता है जी। 42 की बात करें, विच सिक्रीशन कंटेंट नो एंजाइम, इसमें नहीं है, तो वही स्यूडो डाइजेस्टिव जूस की बात कर रहे हैं, वही मैच करना है। विटामिन के की अगर बात करें तो विटामिन के लिए क्या हो जाएगा, हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो जाता है जी। डी की बात करें तो रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। बी वन की अगर बात करें तो बेरी हो जाएगा, और ए की बात करें तो कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। तो बी डी ए सी आंसर कौन सा चला जाएगा, बी डी ए सी ऑप्शन नंबर 3 चला जाता है। चले आगे जी, 45. In when zymosome or chief cell are mainly found in, तो ये स्टमक जो है उसके अंदर मेनली किस एरिया में, ये वाला पूछा गया, पाइलोरिक पार्ट में होता नहीं है, ठीक है, कार्डिक पार्ट में होता नहीं, क्योंकि वहां पर ईसोफेगस जो ओपन हो रही है, ड्यूडेनम उसका पार्ट है नहीं, बिल्कुल, फंडिक पार्ट जो है उसका करेक्ट ऑप्शन चला है, इसके अलावा बॉडी वाले पार्ट में भी होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें, 46 हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, तो कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ये पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी ने बता भी रखा है, इसको अच्छे से याद रखना है। कैलोरीफिक वैल्यू इसको अपन लेबोरेटिकल वैल्यू भी कहा जाता है, और ये एक्चुअल में जो है एक बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो एक मेटेलिक चैम्बर होता है जिसके अंदर इसका फुल ऑक्सीडेशन किया जाता है, कंप्लीट
ऑक्सीडेशन किया जाता है बिल्कुल, या अपन कहें इसको कंबस्शन प्रोसेस कहेंगे, कंबस्शन बिल्कुल। लेबोरेटरी की अगर बात करें तो मतलब ये इसमें कितनी कैपेसिटी है देने की, है ना, टोटल कितनी। तो जो आइडियल वैल्यू आएगी वो आइडियल वैल्यू कैलोरीफिक आएगी, फिजियोलॉजिकल वैल्यू में अपन थोड़ा कम आएंगे। तो अपनी बॉडी में जनरली क्या होता है, तो अपनी बॉडी में जो जनरली चलेगा वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहलाएगी, वो इस आइडियल से भी क्या जाती है कम आ जाती है। अपना बॉडी जो एक टाइप से ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम है, कुछ एनर्जी का लॉस भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन ये नहीं कह सकते कि आइडियली जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। तो अगर एक स्टेटमेंट ये थे सर यहाँ पर कहें कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन कैलोरीफिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑलवेज कह सकते हैं कि क्योंकि वो कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि आइडियल आइडियल सिचुएशन है ही नहीं वहां पर। और कैलोरीफिक तो ये तो लेबोरेटरी कंडीशन है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है और चैम्बर भी क्लोज होता है, चैम्बर भी क्लोज होता है। तो कितना चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 और फैट के लिए 9.45 और प्रोटीन के लिए 5.65। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 और 4 ही रहेगी, इसकी 9 हो जाएगी, इसकी 9 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सर ने फिजियोलॉजिकल वैल्यू भी आपको साथ में बता दिए, 4 हो जाता है, 4 हो जाता है और ये 9 कहलाता है। नेक्स्ट 47, तो लेबलिंग के रेस्पेक्ट में है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट हो जाएगी ना, हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, जी जी। इसके अलावा ये हो जाएगी कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडोकस, और यहीं पर सुनील जी थोड़ा सा कलर अगर चेंज कर दो, ये लीजिए सर जी, तो ये एक वॉल हो गया, इसको स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्ट्रक्चर की वजह से गॉल ब्लैडर फिलअप हो पाता है, ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ये क्लोज हो जाएगा और बाइल यहाँ पे आएगा तो ऊपर की तरफ मूव करके इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये फिलअप होता है, बिल्कुल, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन हो गया जी जी। ये डी पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई, ठीक है, और यहाँ पर हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ये स्पिंक्टर ऑफ बॉयडेन वाला पार्ट ओडाई हो जाता है, ठीक है, तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, तो अपना कौन सा चला जाएगा। तो हालांकि इसमें तो ए के रेस्पेक्ट में तो हो गया आपका, जरा बताना, गॉल ब्लैडर तो डक्ट फ्रॉम लीवर ये गलत हो गया, गॉल ब्लैडर ये सही है, ठीक है, और बी के रेस्पेक्ट में सिस्टिक डक्ट या डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, हां ये भी कह सकते हैं, ठीक है, सी सी के रेस्पेक्ट में हिपेटिक डक्ट हो गई, तो यहाँ पर सी पैनक्रियाज दिया हुआ है, तो गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम लीवर, बिल्कुल ये वाला करेक्ट हो गया, तो ये गलत हो गया और डी पैनक्रियाज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। यहाँ पर दोनों स्फिंक्टर्स हैं वो आप याद रख सकते, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो यतिन सर ये अपने 47 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीईआरटी बेस्ड टोटली हमने जो है वो आपको कवर अप करवाया, और अगर एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ा बहुत नोट्स है वो पढ़ के अगर ये दो वीडियो देख लिए ना, नंबर एक तो अपना 17 और एक 16 हो गया प्रीवियस वाला, या 15 ओ बॉटनी का 16 था और जूलॉजी का 15 था, 15 और 17 आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के ये दो देख लो, थोड़ा टाइम निकाल के, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई नीट में क्वेश्चन गलत नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इजाजत चाहेंगे आपसे, मिलते हैं अगले लेक्चर में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के साथ में, ओके, थैंक यू।